दोस्तों आज की कहानी है एक औरत का शराबी पति। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। निशा और मेह दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थी। एक ही मोहल्ले में रहती थी और एक साथ हमने स्कूल जाना शुरू किया था। यहाँ तक कि जब निशा को उसकी मम्मी गुस्सा कराती डांटती तो वो हमारे घर आ जाया करती थी, और जब मुझे मम्मी गुस्सा कराती तो मैं उनके घर जाया करती थी। मेरी मम्मी निशा की मम्मी से कहती, बहन जी मुझे तो लगता है कि दोनों का रिश्ता एक ही घर में करना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ेगी। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। हम दोनों ने कॉलेज में एडमिशन भी एक साथ ही लिया था। मैंने आर्ट्स लिया और उसने कॉमर्स। एक साथ जाते एक साथ आते, हर दिन पंख लगाकर उड़ते रहे देखते ही देखते। उसका एमकॉम और मेरा एमए हो गया और परिवार वालों ने दोनों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। निशा की बड़ी बहन के बहुत रिश्तेदार थे, उसके लिए एक से एक रिश्ते आने लगे। निशा का परिवार खाते पीते घर का था, पिताजी नहीं थे और भाई बहुत छोटे थे। शादी का सारा खर्च उसके मामा जी उठाने वाले थे। रिश्तेदारी में उसकी शादी हो गई। लड़का बड़े परिवार से था, सुंदर भी था, अच्छी बड़ी जॉब भी थी। अपनी हैसियत के अनुसार निशा की शादी कर दी गई। निशा बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था जो ख्वाहिशें अब वो अपनी माँ के पास पूरी नहीं कर सकी वह अपने पति के यहाँ जाकर करेगी। इसलिए वह डोली में जाने के समय मेरे गले लगकर रोने की वजह मेरे कान में फुसाने लगी, अब मैं आसमान को छू लूंगी और हाँ तेरे लिए भी वही लड़का देख लूंगी। मैंने हंसकर कहा, पहले जाकर तो आ, फिर बाद में बैठकर आराम से बातें करेंगे। वो मुस्कुरा दी। उसके चेहरे की रौनक मेरे दिल को बड़ा सुकून दे रही थी क्योंकि मैंने उसे हर बार मन मारते हुए देखा था। मैंने खुदा से प्रार्थना की, हे प्रभु इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना तो पूरी करना। शादी के 10-15 दिन बाद जब वो वापस मायके आई बड़ी खुश थी। एक दिन हम बैठे हैं तो कहने लगी, सास बड़ी अच्छी है, सुन एक छोड़कर सहे। मैं मुस्कुरा गई। उसने अपने परिवार के बारे में छोटी से छोटी चीजों को बताया और कहा, सस कहती हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उससे कहा, बस निशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना। मैंने उससे कहा, सुन तूने कॉमर्स तो कर लिया है, आगे तेरा क्या इरादा है। उसने मुस्कुरा कर कहा, पगली मुझे कौन नौकरी करने देगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। मैंने कहा, लेकिन अगर हमारे पास सरस्वती है तो हमें चिंता किस बात की, लक्ष्मी अपने पास हमारे पास ही रहेगी। और जोर से हंसी। उसने कहा, सुन सरस्वती अपने पास रख, लक्ष्मी मेरे पास अपने आप ही। मैं मुस्कुरा दी और उसके माथे को मैंने सूंघ लिया और हंसकर कहा, बस ऐसे ही खुश रहे। और सुनाओ और कितने दिन हैं। उसने कहा, कल या परसों तेरे जीजा जी आ जाएंगे, फिर देखो। लेकिन तू ऐसे क्यों खुश रही है, तो तू मेरे पास रोज नहीं आएगी। मैंने कहा, नहीं पागल, कल मुझे हॉस्टल जाना है क्योंकि मैंने बीएड में एडमिशन ली है। उसने कहा, क्यों, करवाले तेरे लिए रिश्ता नहीं देख रहे हैं क्या। मैंने कहा, देख तो रहे हैं, लेकिन जब तक होता है तब तक अगर मैं बीएड भी कर लूं तो क्या बुरा है। उसने कहा, ठीक है बाबा, तेरे से मैं आज तक जीत नहीं पाई। और मैं वापस अपने घर चली आई। 3-4 दिन बाद उसका फोन आया कि मैं कल जा रही हूँ तो क्या मुझसे मिलने आ जाओगी। मैंने कहा, हाँ जरूर आऊंगी और आज ही आऊंगी। और मैंने घर का और अपना रास्ता नापा। घर आकर मैं सीधा निशा के घर पहुंच गई। निशा जीजा जी के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। जीजा जी की भी खूब खातिरदारी धूमधाम से हो रही थी। उन लोगों को भी ये बताना नहीं था कि ये थोड़े कमजोर हैं। वो लोग भी उधार लेकर दिल खोलकर उनकी आव भगत में लगे हुए थे। निशा भी एक से एक फरमाइश कर रही थी। मैंने उसे समझाया। उसने कहा, पगली फिर आऊंगी मैं अगले साल, और कोई खर्चा नहीं। मैंने भी जानकर जीजा जी को तंग किया।
खाना वाना खाया और अपनी सहेली के गले मिलकर रात को मैं अपने घर आ गई। दूसरे दिन सुबह अपने ससुराल चली गई। वो धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बीएड में मेरा फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर पर आया और मेरी शादी एक खाते पीते परिवार में हो गई। निशा और उसके पति दोनों शादी में भी आए थे। निशा ने हंसते हुए कहा, सुन तेरे ससुराल वाले थोड़े ठीक ही लग रहे हैं। मैंने भी कहा, हाँ तेरे जीजा जी अभी भी जॉब पर लगे हैं। शाम में ही मैं अपने ससुराल की ओर चली गई। मेरी ससुराल शहर में ही थी। शादी के कुछ दिन बाद ही एक कन्वेंट स्कूल में मैंने जॉब कर लिया। मैं मेरे पति दोनों अच्छा कमाने लगी। आगे बढ़ते चले गए। हर साल निशा मायके आती और मुझसे जरूर मिलती। दूसरे ही साल निशा जब मायके आई तो उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, देख मैं तुझसे कुछ दिल की बात करना चाहती हूँ, लेकिन तू कसम खा किसी से कुछ नहीं बताएगी कि मैंने कहा है। तू बता तो सही बात क्या है, क्योंकि मेरी धड़कन तेज हो गई थी। उसने कहा, तेरे जीजा जी बहुत शराब पीते हैं और तो और ये कुछ काम भी नहीं करते। यह बात मुझसे साल भर छुपा कर रखी गई। मेरी सास और मेरे ससुराल ने किसी ने मुझे इस बात की भनक तक नहीं होने दी। हाँ, शराब के बारे में मुझे पता चली गया था और चलता भी कैसे नहीं। मैं जब भी उनसे पूछती तो ये कहती, काम सूट गया है इसलिए टेंशन में हूँ, और मैं सुप रह जाती धीरे धीरे, क्योंकि मेरी मायके की असलियत भी उनके सामने आने लगी थी कि बोलो बस खाते पीते घर के ही है, इसलिए कोई मुझ पर इतना ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन सच कहूँ, एक दिन मुझे तेरी बहुत याद आई थी। तूने मुझे प्यार से बहुत समझाया था, लेकिन मैंने तेरी बात को हवा में उड़ा दिया था। अब मैं वहाँ पर पार्लर का काम सीख रही हूँ और उसके बाद में वहीं पर एक छोटा सा पार्लर डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पति को घर के बाहर निकल कर काम करना पसंद नहीं है। उनका कहना है, घर में रह कर ही काम करो। घर में रह कर निशा पार्लर का काम करने लगी। देखते ही देखते मुझे 3 बच्चे और उसे 2 बच्चे हो गए। अब कभी कभार हम लोग फोन पर बात करते थे या जब कभी कभार वो मायके आती तो हम मिल जाते थे। धीरे धीरे उसके मायके में लक्ष्मी माता का जबरदस्त आगमन हुआ और देखते ही देखते पैसे वाले हो गए। अपनी छोटी बहन का ये हाल उसके भाइयों और माँ को बहुत तकलीफ होती थी। माँ निशा की बहुत मदद करती थी। भाइयों ने भी मदद करनी शुरू कर दी थी। निशा के पति अब तो बिना डरे रोज शराब के नशे में रहने लगे और पार्लर में जो कमाई होती थी उसका अच्छा खासा हिस्सा वो ले लेते थे। ससुराल वालों ने भी बाकी बच्चों की शादी कराने के बाद उसकी वो इज्जत अब उस घर में होने नहीं लगी, तो उसने भी अपना एक अलग घर ले लिया। आज वो अपना अलग घर लेकर रहती है। उसके भाई बहन उसकी मदद करते थे, लेकिन कब तक? लेकिन उसने हार नहीं मानी है। आज भी वह डटकर पूरे मुकाबले के साथ काम करती है और अच्छी खासी कमाई कर लेती है। उसकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। बेटी को उसने इंजीनियर बनाया है, लेकिन आज भी वह हमेशा अपनी बहन के रिश्तेदारों को कोसती है, अपने सास ससुर को कोसती है। वो कहती है, अपने बेटे के बारे में सब कुछ मालूम होते हुए उन्होंने उसकी शादी कर दी गई। जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया तो उनका कहना था, हमें लगा कि शादी के बाद बदल जाएगा, जिम्मेदारी पड़ेगी तो, लेकिन ये तो पत्नी के हाथ में होता है। पति को संभालना तो ठीक से उसे संभाल नहीं सकी। जब उनके मुंह से ये बात कही तो मैंने उससे कहा कि अपनी सास को तू भी कह देती कि 20 साल तक तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं संभाला, संभाल कर किसी और को संभालने के लिए देती। लेकिन उसने कहा कि जो मेरी किस्मत में था, लेकिन तूने उस समय मुझसे कहा था कि आगे क्या, अगर तेरी बात मानकर भी बीएड कर लेती तो आज अच्छी पोस्ट पर रहती। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे कुछ नहीं चलता। आज मैं सोचती हूँ, कुछ माँ बाप अपने बच्चों की हर बुराई को समाज से छुपा कर रखते हैं
और उन्हें जो तकलीफ होती है उस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए वह अपने बेटों की शादी किसी गरीब घर की लड़की से कर देते हैं। उन्हें लगता है इसके माँ बाप क्या कर सकेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ हमें उस मासूम सी लड़की के कंधों पर डाल देते हैं। अगर वह लड़की कुछ कहती है तो लड़की बदतमीज है, अगर वह लड़की सुप साप सती रहे तो ठीक है। मेरा पूछना है क्या ऐसी लड़कियों की अपनी कोई तमन्ना या ऐसा नहीं होती है? फिर लड़के के माँ बाप लड़के की गलतियों को छुपा कर किसी दूसरी लड़की का बुरा क्यों सोचते हैं? इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आजकल हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, चाहे पति का घर कितना ही पैसों वाला क्यों ना हो। लेकिन अगर हमारे पास हुनर है, ज्ञान है तो हम कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता। समय का क्या भरोसा कब पलटी खा जाए, इसलिए हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। एक, लड़के के माँ बाप ने अपने बेटे की कमजोरियों को छुपाना नहीं चाहिए। दूसरा, हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।